नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदेव और स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स के एक नए एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में यहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि लड़कियां जो है वो पीरियड के दौरान अक्सर कौन सी ऐसी पांच गलतियां करती हैं जिनसे उनका जो बॉडी है वो काफ़ी कमजोर हो जाता है। वैसे तो जो लड़कियों में है वो पीरियड 12 से 13 साल की उम्र में प्राकृतिक रूप से शुरू हो जाता है, जिसे हम हिंदी में मासिक धर्म भी कहते हैं। लेकिन मासिक धर्म के दौरान उनको कई परेशानियाँ होती हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, पीठ में दर्द होना या फिर पैरों में दर्द होना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन पीरियड्स के दौरान लड़कियां ऐसी अक्सर 5 गलतियां करती हैं जिनसे उनको पीरियड के दौरान ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 गलतियां कौन सी हैं जिसे लड़कियों को अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अब बात करते हैं वो पहले गलती के बारे में। पहली जो गलती है वो ये है कि लड़कियां अक्सर पीरियड के दौरान चटपटा खाना ज़्यादा पसंद करती हैं जिसमें ज़्यादा नमक आता है। तो देखिए, पीरियड के दौरान अगर आप ज़्यादा नमक लेती हैं तो इससे जो आपका पेट है वो फूलने लगता है और पेट फूलने के कारण पेट दर्द ज़्यादा रहता है। तो पीरियड के दौरान आपको कम से कम नमक का सेवन करना चाहिए। अगर यहाँ पर बात करें दूसरे गलती की, तो दूसरी गलती ये है कि लड़कियाँ अक्सर एक ही पैड को ज़्यादा लंबे समय तक चलाती हैं। आपको जो है वो 3 से 4 घंटे पर पैड को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। अगर आप पैड को ज्यादा लंबे समय तक चलाते हैं तो इससे इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। और अगर यहाँ पर बात करें तीसरी गलती की, तो पीरियड्स के दौरान आपको चाय या कॉफी का सेवन भी कम करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफी पीते हैं तो इससे आपको पेट में दर्द भी हो सकता है और पीठ में दर्द भी हो सकता है। तो जब भी आप पीरियड्स में होती हैं तो ये बात का ध्यान रखना है कि चाय या कॉफी है तो उसका कम से कम सेवन आपको करना चाहिए। अगर यहाँ पर बात करें चौथी गलती की, तो चौथी गलती ये होती है कि पीरियड्स के दौरान लड़कियाँ जो है वो भरपूर नींद नहीं लेती हैं। अगर आप पीरियड्स के दौरान भरपूर नींद नहीं लेती हैं तो इससे जो आपका पीरियड का समय है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे आपको एनीमिया हो सकता है, कमजोरी आ सकती है। तो यहाँ पर ये बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप पीरियड्स में होती हैं तब आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए। और इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें पांचवें गलती की, तो पीरियड्स के दौरान कभी भी आपको ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए, जैसे कि फ्रिज में है ठंडा पानी, आइसक्रीम, कुल्फी या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स है, तो वो आपको ठंडा नहीं लेना चाहिए। आप इसकी बजाय गर्म पानी ले सकते हैं। अगर आप हल्का गर्म पानी लेते हैं तो उससे पीरियड का जो फ्लो है वो जल्दी से बढ़ता है, जिससे पेट में दर्द है तो वो इससे कम होता है। यहाँ पर आपको ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप पीरियड्स में रहती हैं तब आपको दिन में कम से कम 3 से 4 ग्लास जो है वो गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज का वीडियो, पीरियड के दौरान लड़कियों को वो 5 गलती कौन सी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बड़ा सा लाइक कर देना। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो पुट कीजिए उसे नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियोस में, तब तक लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी।